अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी और सभी की पसंदीदा रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गुजराती खामन ढोकला। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम, हमने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को पूरा करने के लिए यानी कि पूरा 1 कप करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर सूजी ले ली है। सूजी मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच ली है और यहाँ पर हमने 1.5 लेमन का जूस ले लिया है और 1 टीस्पून हमने राई ली है, 2 टेबल स्पून यानी इसी से हमने नाप कर 2 चम्मच यहाँ पर शुगर ले ली है, 5 से 6 हरी मिर्चें ली है, इसको हम स्लिट करके ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम या फिर 1 पिंच कह सकते हैं हमने हल्दी ली है और इनो का 1 पैकेट ले लिया है और 2 टेबल स्पून यानी 2 चम्मच इसी से नाप कर हमने ऑयल लिया है। ऑयल को हम 2 जगह यूज़ करेंगे, वो हम आगे आपको बताते जाएंगे और तड़के में ही हम यूज़ करेंगे ये करी पत्ता। आइए बनाना शुरू करते हैं खामन ढोकला। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बॉल ले लिया है, उसमें हम एक स्टैनर रखेंगे और सूजी और बेसन को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे छलनी से निकाल लेंगे, छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना आए। इस तरीके से छानने से ये सही रहेगा। बेसन और सूजी को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है, अब ये छन कर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, ये 1 पिंच हमने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया है, ये मैंने जिस कप से बेसन और सूजी को नापा है उसी से हमने पानी ले लिया है, देखें कितना लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे विस्कर की मदद से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमारा लम्स फ्री होना चाहिए बिल्कुल। सभी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब हमारा पानी सारा ऐड हो जाता है। बेसन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है पानी के साथ में, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। तो हम 1/2 ऑयल यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से फूल जाएँ। ये देखिए हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, देखिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। तो इसे अब हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के बाद में, उसके बाद में हम इसको टिन में डालेंगे। तब तक हम अपने पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। बेसन को रेस्ट करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम सबसे पहले लेमन का जूस ऐड करेंगे। ये 1 लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे इनो का पूरा पैकेट, ये मेरा लेमन फ्लेवर का है, अगर आपको सादा मिल जाता है तो आप सादा भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमने डाल दिया, इसे अच्छी तरीके से बहुत जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो जल्दी से फॉर्मेट हो जाए। ये देखिए एकदम ये फूल गया है और हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है। इसे जल्दी से अब हम टिन में डाल देंगे जो हमने ढोकले के लिए लिया है। ये मैंने 6 इंच का टिन लिया है और इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है। तो ये जो सारा बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से यूँ टैप कर देंगे ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं वो थोड़े नीचे चले जाएं, ऊपर आ जाएं और ये निकल जाएं। पानी को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसके बीच में मैंने 1 कटोरी रख दी है, कटोरी के अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो प्याली है हमारी इधर उधर ना हो। तो अब इसका जो बैटर का टीन है हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद में इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हाई फ्लेम पे इसे 15 मिनट पकने देते हैं। ढोकले को हमने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अब हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें अब हम जो बचा हुआ ऑयल था हमने बताया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे ये राई। राई को थोड़ा सा तड़क जाने देंगे, इसे
इसमें हरी मिर्चें, हमने 5 हरी मिर्चें और करी पत्ता लिया हुआ है। और करी पत्ते के साथ में हम तकरीबन कुछ सेकंड के लिए इसको सॉटे कर लेंगे ताकि करी पत्ते का जो टेस्ट है हमारे तड़के के अंदर आ जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए वरना तो ये राई बहुत ज़्यादा चटकने लगेगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। अब मीडियम कर देंगे गैस का फ्लेम और इसी के अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे और शुगर के पूरा डिज़ोल्व हो जाने तक इसको पका लेंगे। तकरीबन 2-3 उबाल लगाने हैं बड़े बड़े, उसके बाद में गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसमें पानी थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। बस 1 पिंच से भी कम हम इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और इसी में अब हम जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम इसमें लेमन भी डालेंगे जो हमने बचा के रखा हुआ है। तो पहले इसमें उबाल आ जाने देंगे। तड़के के अंदर हमारा उबाल आ गया है और अच्छे बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें जो हमने हाफ लेमन बचा के रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे, लेमन का जूस, और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा ढोकला तैयार होगा, हमारा लेमन का ढोकले का जो पानी है ये भी बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। तो इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। हमारे ढोकले को पकते हुए 17 मिनट हो चुके हैं और ढोकला हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम चेक कर लेंगे, अगर नाइफ़ हमारा क्लीन आता है तो इसका मतलब ये है, देखिए नाइफ़ हमारा एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये है कि ढोकला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा हो जाने देंगे। ढोकला हमारा ठंडा हो चुका है तो इसके हम एजेस इस तरीके से छुरी डालकर लूज़ कर लेंगे, ये देखिए। और इसको अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला बनकर तैयार हुआ है, इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। कट हम इतना करेंगे जितना कि हमें बड़े बड़े पीसेस या छोटे छोटे पीसेस कटने हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। जब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला बना है हमारा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हुआ है। तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जो हमने तड़का तैयार करा था हम उसी का पानी ऐड करेंगे। ये देखिए तड़का भी हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। तो अब इस तरीके से हम सारा तड़का डाल देंगे। इसको आप रमज़ानों में बना सकते हैं इफ्तार के टाइम पर, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि कभी कभी अलग चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती हैं दस्तरखान पे रखी हुई। ये सारा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जितना पानी इसके अंदर डाला होता है उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये, क्योंकि सारा ये पी लेता है पानी। हमारा सॉफ्ट और स्पंजी खामन ढोकला बनकर तैयार है। आप इसको रमज़ानों में ट्राई कीजिएगा इफ्तार के टाइम पे, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि कभी कभी कुछ अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।